जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन में भारत के लिए एक के बाद एक खुशखबरियों की बौछार हो गई है। अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति के आगे बड़े बड़े देश भारत के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। यूएनएससी में कागज पर बदलाव होना शुरू होने के बाद यूएन में तुर्की ने भारत को सबसे बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूएन भारत और अफ्रीका के आगे झुक गया है और रिफॉर्म के लिए कागज पर काम शुरू हो गया है। और इसके बाद अगले कुछ समय में भारत को परमानेंट सीट भी मिल जाएगी और फिर वीटो पावर की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन इसी बीच तुर्की ने भारत को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है जिसकी उम्मीद भारत को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ समय पहले तुर्की ने भारत को परमानेंट सीट देने का समर्थन भी किया था, लेकिन आज तो उसने पूरी तरह दिल जीत लिया है और ये दर्शाता है कि भारत की ताकत दुनिया में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुर्की जैसे देश जो कल तक पाकिस्तान के पाले में थे और कश्मीर को लेकर भारत को गाली दे रहे थे, अब अचानक भारत के पाले में कूद चुके हैं। इस तरह से दुनिया भर के देश जो पहले भारत के दुश्मन हुआ करते थे, अब वे अचानक भारत के दोस्त बनते जा रहे हैं। अब माना जा रहा है कि तुर्की के बाद अजरबैजान भी भारत से दोस्ती करना चाहता है। ये दोनों देश भारत के मार्केट से बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं। तुर्की, कनाडा, पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमेशा भारत के वीटो पावर के लिए यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर बैठे हुए थे, लेकिन चीन भारत के आगे झुक गया है और ये व्यापार और वीजा फिर से शुरू करने के लिए डोभाल के आगे घुटने टेक दिया है। उधर कनाडा में ट्रूडो की सरकार गिरने जा रही है, तो वहीं तुर्की ने भारत के आगे हाल ही में सरेंडर कर दिया है और सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तुर्की के इस कदम को देखकर पाकिस्तान का गला सूख गया है, लेकिन शाहबाज शरीफ फिर भी अपना दर्द छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए कि आखिर तुर्की ने क्या किया है, और फिर आपके साथ पूरे मामले का एनालिसिस करेंगे कि आखिर तुर्की ने ऐसा किया क्यों है, जिसमें आपको काफी इन्फॉर्मेटिव बातें पता चलेंगी। पिछले कई सालों से तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमेशा कश्मीर मुद्दे को उठाया था। एर्दोगान अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हुए कश्मीर के हालात पर चिंता जताते थे और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। इससे पाकिस्तान को उम्मीद होती थी कि उसके दोस्त तुर्की के जरिए कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। लेकिन इस बार 2024 में जब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन दिया, तो उन्होंने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि तुर्की फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और भारत पर दबाव डालेगा। तुर्की ने पाकिस्तान को झटका तब दिया है जब कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि तुर्की ने कश्मीर के चुनाव को 100% वैलिड करार दिया है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है। माना जा रहा है कि अजीत डोभाल और जयशंकर ने मिलकर तुर्की का ऐसा इलाज किया है कि अब वो लाइन पर आ चुका है। जैसे ही अजीत डोभाल ने देखा कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, उन्होंने तुर्की के पड़ोसी देशों में हथियार बांटना शुरू कर दिया और ये दिखा दिया कि अजीत डोभाल हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। जिनके सामने चीन घुटने टेक चुका है, तो फिर तुर्की कैसे टिकेगा। कश्मीर की सुरक्षा को डोभाल साहब ने हमेशा प्रायोरिटी पर रखा है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल की कूटनीति का तुर्की को फायदा मिल चुका है। भारत और तुर्की ने अफगानिस्तान संकट के दौरान एक साथ काम किया, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। तुर्की ने देखा होगा कि भारत और डोभाल के साथ सहयोग करना उसके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की को समझाया होगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो तुम। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की गई होगी, जो लंबे समय में तुर्की के लिए फायदेमंद होगा। विदेश मंत्री ने तुर्की को यह भी स्पष्ट किया होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और तुर्की अगर ऐसे देश का साथ खड़ा रहेगा तो उसकी छवि भी धूमिल होगी। कश्मीर को भारत से अलग करने का नापाक मंसूबा पालने वाला पाकिस्तान अब दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर हर करने की बात करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में किसी भी देश ने कश्मीर का आज तक जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को छोड़कर यूएनजीए में 193 सदस्यों में से किसी भी वक्ता ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे। पाकिस्तान के झूठ और मक्कारी के वास्ते कोई भी देश उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उसके दोस्त तुर्की ने दिया है। ऐतिहासिक रूप से एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुख्य समर्थक रहे हैं। अपने 2020 के भाषण में उन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले की आलोचना की थी और दावा किया कि इससे स्थिति और खराब हो गई है। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो अब तक भारी गलती कर रहे थे। तब भारत ने इसका विरोध किया था और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, लेकिन अब तुर्की को भारत की बात समझ आ गई है।
एर्दोआन ने भले ही संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र ना किया हो, लेकिन पाकिस्तान ने अपने बयान में एर्दोआन की तारीफ की। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों के लिए तुर्की के दृढ़ और निरंतर समर्थन की सराहना की। मतलब बिना समर्थन मिले ही पाकिस्तान ने बयान जारी कर दिया कि तुर्की ने समर्थन कर दिया। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है और वो झूठे हेडलाइन की बदौलत कश्मीर मुद्दे को जबरन घसीटना चाहता है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर यूएन में तुर्की ने कश्मीर मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो इसके पीछे तीन प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि भारत के साथ तुर्की के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संबंध। तुर्की और भारत के बीच पिछले कुछ सालों में आर्थिक और राजनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देश आपसी व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। तुर्की समझता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और उसके साथ अच्छे संबंध रखना तुर्की के लिए फायदेमंद होगा। यूएन में कश्मीर मुद्दा न उठाने के पीछे तुर्की का दूसरा कारण है पाकिस्तान की घटती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी अब उससे दूर होते जा रहे हैं। तुर्की ने देखा कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने से उसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा, जबकि भारत के साथ मजबूत संबंध उसे वैश्विक स्तर पर अधिक फायदा दिला सकते हैं। वहीं तीसरा कारण है तुर्की की अपनी आर्थिक चुनौतियां। तुर्की खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। तुर्की को पता है कि भारत जैसे देशों के साथ सहयोग उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकता है। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर तुर्की ने यूएन में कश्मीर मुद्दा नहीं उठाया तो भारत को इसका क्या फायदा मिलेगा? तो इसका भारत को तीन प्रमुख फायदे मिलने जा रहे हैं। पहला फायदा ये है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ेगा। तुर्की का कश्मीर मुद्दे पर चुप्पी साधना ये संकेत देता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अब पहले जैसा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलेगा। इससे भारत को अपनी कूटनीति और मजबूत करने का मौका मिलेगा और वो कश्मीर मुद्दे पर अपनी स्थिति को और स्पष्ट और मजबूत कर सकेगा। भारत के लिए दूसरा फायदा पाकिस्तान का अलगाव है। तुर्की जैसे देशों का पाकिस्तान से दूरी बनाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इससे पाकिस्तान और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग हो सकता है और उसे कश्मीर मुद्दे पर समर्थन जुटाने में कठिनाई होगी। तीसरा फायदा ये है कि भारत तुर्की संबंधों में सुधार होगा। तुर्की द्वारा कश्मीर मुद्दे पर पीछे हटने से भारत तुर्की संबंध और बेहतर हो सकते हैं। ये दोनों देशों के व्यापार, निवेश और सुरक्षा क्षेत्रों में नए अवसर खोल सकता है। 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया था तो तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। इससे भारत तुर्की के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन 2024 में एर्दोआन ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, जिससे ये साफ हो गया कि तुर्की अब भारत से संबंधों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, ना कि पाकिस्तान के समर्थन को। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।